सीपी और सीवी को लेके कुछ न्यूमेरिकल्स जिसमें कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है, मैंने लिख भी दिया यहाँ पर। अगर ये मोलर स्पेसिफिक हीट्स हैं बड़ा सी और बड़ा सी पी एंड वी, तो ये जूल्स पर मोल पर डिग्री सेल्सियस में यूनिट्स पाए जाएंगे। जूल हो चाहे कैलरी हो, पर ये पर मोल पक्का होगा। और अगर ये पर मोल की जगह यहाँ कैलरी है तो कोई बात नहीं, ये आर बाई जी हो जाएगा। तो कहने का मतलब न्यूमेरिकल में अगर लगाना है तो अगर ये जूल में चल रहा है तो 8.31 यूज़ कर लो, कैलरी चल रहा है तो इसको रहने दो 2 यूज़ कर लो, ख़त्म करने जे का चक्कर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगर ये जूल पर केजी पर ग्राम चल रहा है तो पर केजी पर ग्राम में फिर छोटा सी भी यूज़ करना पड़ेगा, जिसको नॉर्मल स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो मैंने सिखा दिया कैपिटल सी पी को कैपिटल एम सी वी ऐसे, तो कैपिटल एम नीचे आ गया, इसको स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, 1 ग्राम के लिए ये गैस कॉन्स्टेंट है, नहीं तो यहीं तक छोड़ दो। तो ये रिजल्ट है। और अगर ये जूल जूल तो ये जूल, और अगर कैलरी में जाना है तो आर को जे से डिवाइड करना पड़ेगा, पर जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, कोई और मेथड ढूंढ लेंगे हम। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अब सबसे पहली चीज जो माइंड में आती है, स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का, सी वी निकालना है, बड़ा सी वी निकालना है कि छोटा सी वी निकालना है। तो ये चेक करने के लिए या तो वो लिख देता मोलर स्पेसिफिक हीट निकालो, सिंपल स्पेसिफिक हीट है, यूनिट्स चेक करो, कॉन्स्टेंट प्रेशर के यूनिट्स किसमें गिवन है, कैलरी पर मोल। इसका मतलब बड़े सी की बात हो रही है, मोलर स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या लगेगा, ये जो सी पी गिवन है वो मोल्स में गिवन है, तो बड़ा रिजल्ट यूज करेंगे, सी पी माइनस सी वी बड़े में इज आर बाई जे। अब आर बाई जे क्यों यूज किया, क्योंकि सी पी किस में चल रहा है, कैलरी में। तो फिर ये इसका रिजल्ट 8 point something by 4 point something 2 आएगा। तो ये सी वी निकालना है, सी पी पुट करो, और आर बाई जे में या तो ऐसा कर लो आर 8.31 जूल में होता है, कैलरी में कन्वर्ट कर लो, या सीधा इसकी रेशियो 2 यूज कर लो अप्रोक्सीमेटली, तो भी आंसर आ जाएगा। बेस्ट तो 2 यूज करना है, आर बाई जे क्यों करना, पर मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक। जैसे फाइंड डिफरेंस बिटवीन 2 प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम। मतलब प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स क्या होती हैं, पर मोल नहीं बोला ना, ग्राम बोला है ना, तो छोटा सी पी सी वी यूज होना है, ग्राम्स है तो छोटा सी पी सी वी का डिफरेंस निकालना है। तो आप कहोगे छोटा सी पी सी वी का डिफरेंस तो कॉन्स्टेंट ही होगा, नहीं, 1 ग्राम का निकालना है, अब वही कैपिटल एम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके अंदर आर की वैल्यू गिवन है और हीलियम का 4 गिवन है एम। 1 ग्राम के लिए रिजल्ट क्या करवाया था, छोटा सी पी छोटा सी वी आर बाय एम। अब क्योंकि ये सी पी सी वी अगर आप आंसर कैलरी में निकालते हो फिर तो आर बाई जे को 2 यूज कर लेना, और अगर आप चाहते हो कि पर कैलरी की जगह जूल में निकालना है तो जे मत यूज करना, 8 point something, वो आपकी मर्जी है। आप अगर ये नहीं लिखते तो आंसर जूल में ले लेना, लिखते हो तो कैलरी में लिख लेना। तो कैपिटल एम 4 है तो ऑटोमेटिकली ये आर की वैल्यू पर ग्राम आ जाएगी। ठीक, डिफरेंस बिटवीन 2 स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इज 5000 जूल पर केजी पर केल्विन। अब ये क्या गिवन है, सी पी माइनस सी वी, कौन सा बड़ा सी की बड़ा छोटा सी, यूनिट्स में क्या है, पर केजी, पर मोल नहीं है ना, तो फिर छोटा सी। तो डिफरेंस गिवन है, आपको रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट गिवन है, सी पी सी वी की रेशियो गिवन है, तो सी पी 1.6 सी वी, इसको उठा के यहां पुट कर दिया, सॉल्व करके सी वी एंड सी पी कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। ठीक है यहां तक।